हरि ओम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर इंडिया स्वप्न फल में। सपने में पानी में सांप को तैरता देखना क्या स्वप्न फल होता है? क्या मतलब होता है सपने में पानी में अगर आपको सांप दिखाई देता है? अगर आप सपने में बहुत सारे सांप पानी में देखते हैं या सफ़ेद सांप को पानी में देखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, क्या फल होगा? या सपने में काले सांप को पानी में देखना या छोटे बच्चे को सांप के पानी में देखना क्या फल होगा, क्या अर्थ होगा? तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सपने में अगर आप किसी भी तरह का सांप पानी में देखते हैं तो पानी में सांप का दिखाई देना ये संकेत करता है कि आपको बहुत जल्द ही धन मिलेगा। चाहे आपको धन किसी कार्य क्षेत्र से मिले या किसी व्यवसाय से मिले या जमीन जायदाद का धन मिले, किसी भी प्रकार का धन आपको शीघ्र मिलने वाला होता है। चाहे आपको किसी वस्तु का लाभ हो जाए या किसी जमीन का आपको लाभ मिल सकता है या किसी मकान का, किसी भी तरह का आपको शारीरिक मानसिक आर्थिक और किसी तरह से आपकी उन्नति होने का संकेत जब होना होता है तब आपको सपने में पानी में सांप दिखता है। अगर आप सपने में पानी में सांप को तैरता हुआ देखते हैं तो तैरते हुए सांप का पानी में दिखाई देना ये संकेत करता है कि आप बहुत जल्द सफलता हासिल करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अतिरिक्त लाभ होगा जिससे आपको काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। तो सपने में देखा गया सांप पानी में तैरते दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में सांप को ढेर सारे इकट्ठे सांप को देखते हैं कि बहुत सारे सांप आपको जगह जगह दिख रहे हैं, सांप लटकते हुए दिख रहे हैं या निकलते हुए दिख रहे हैं, तो इस प्रकार का सपना बताता है कि आपके पास ढेर सारा पैसा होगा और ढेर सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। तो सपने में सांपों का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में सफ़ेद सांप को पानी में देखते हैं तो सपने में सफ़ेद पानी का सांप में दिखाई देना ये संकेत करता है कि आपका आने वाला भाग्य बहुत अच्छा है, बेहतर है। आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य हासिल करेंगे। ये सपना आपके द्वारा किए जाने वाले बुद्धि विवेक से लिए गए निर्णय द्वारा मिलने वाली सफलता का संकेत है। अगर आप सपने में यह देख रहे हैं कि सपने में सांप पानी में बैठा हुआ है और कोई हलचल नहीं कर रहा है तो ये सपना बताता है कि आप अपने छोटे छोटे कार्यों से भी बड़ी बड़ी सफलताओं की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये सपना भी अच्छा होता है, शुभ होता है। सपने में सांप का जोड़ा देखना, अगर आप सपने में सांप का जोड़ा देखते हैं तो ये संकेत करता है कि आपके घर में खुशियाँ आएंगी, घर परिवार में आपका अच्छा वातावरण रहेगा और आपका जो घर परिवार है, जो पत्नी है, उससे प्रेम बढ़ेगा और आप दाम्पत्य सुख का आनंद उठाएंगे। तो सपने में सांप का जोड़ा देखना प्यार से संबंधी, लव से संबंधित सपना होता है कि आप जिस किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सपने में पानी में काले सांप को देखना, ये काला सांप अगर आप सपने में पानी में देखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। सपने में अगर लाल सांप को देखते हैं कि अगर आप सपने में किसी लाल रंग के सांप को देखते हैं तो ये संकेत करता है कि आप सफलता तो प्राप्त करेंगे परंतु आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप कड़ी मेहनत करेंगे, जितना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, उतनी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सपने में सांप को अगर एक जल में एक सिरे से दूसरी तरफ तैरता हुआ देख रहे हैं या आपकी तरफ सांप आता हुआ दिख रहा है तो ये सपना बताता है कि जल्द ही आपको धन मिलेगा और आपके बैंक अकाउंट में या आपके घर में धन का जमा होना, धन के बचने का संकेत होता है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति में जो धन खर्च होगा उससे भी अतिरिक्त जो धन होता है वो आपके पास बना रहेगा
और आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो लगातार पूरी होती रहेंगी। सपने में अगर सांप को देख रहे हैं कि आप सपने में सांप को पकड़ रहे हैं या सपने में सांप के साथ खेल रहे हैं, तो सपने में सांप के साथ खेलना या सांप को पकड़ना ये संकेत करता है कि आप किसी भी समस्या से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आने वाली हर मुसीबत का आप हंसते हंसते सामना करेंगे और आप खुशियां प्राप्त करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। तो सपने में सांप से न डरने का संकेत होता है कि आप हर कार्य को अच्छे ढंग से पूरा कर पाने में सफल हो जाएंगे। सपने में अगर सांप किसी जीव जंतु पर हमला करता दिखाई दे रहा है कि किसी अन्य पर हमला कर रहा है या आप पर सांप हमला कर रहा है या काटने की फिराक में है या काट चुका है, तो ये सपना बताता है कि जल्द ही आपको धन मिलेगा और आपको मिलने वाली खुशियों का संकेत है कि जल्द ही आपकी धन से संबंधित या किसी अन्य प्रकार की जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और जल्द ही आप अपनी कार्यों को पूरा करेंगे जिससे आपकी खुशियाँ बढ़ जाएंगी। सपने में अगर आप सफ़ेद सांप देखते हैं तो सफ़ेद सांप का दिखाई देना आपके लिए काफ़ी उत्तम होता है, आपके भाग्य में बढ़ोतरी कराता है और आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कराता है। तो सपने में सफ़ेद सांप का, काला सांप का दिखाई देना शुभ होता है और लाल सांप का दिखाई देना यह संकेत करता है कि आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है या आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आप सफलताएँ प्राप्त करने में काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। तो सपने में छोटे छोटे सांपों को देखना या बहुत सारे सांपों को देखना ये संकेत करता है कि आपको लगातार धन मिलेगा और ढेर सारा धन मिलेगा जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर सपने में अगर सांप देख रहे हैं कि जमीन से सांप अंदर बैठे हुए हैं या उनका फन ऊपर निकला हुआ है जिन्हें आप बच बच कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं सांप आपको काट न ले या कहीं उस पर पैर न पड़ जाए, तो इस प्रकार का सपना अगर दिखता है तो ये संकेत करता है कि जमीन के अंदर दबे हुए सांप या सांपों के बिलों को देखने का अर्थ होता है कि कहीं न कहीं किसी वस्तु आपकी गुम हो सकती है या कोई चोर आपकी वस्तुओं को चुराने की फिराक कर सकता है। तो सपने में बिल से निकलने वाले सांप या बिल में बैठे हुए सांपों से बच बच कर निकलने का संकेत होता है कि आप किसी समस्या में फंस जाएंगे जिससे आपको किसी न किसी प्रकार की आर्थिक या किसी वस्तु की हानि हो सकती है। तो सपने में सांपों से खुद को बचाते हुए देखकर चलने का संकेत होता है कि आपको अपने जो भी घर गृहस्थी जहाँ भी आपका कोई भी कीमती वस्तु है उसको आप संभाल कर रखें, उसे सुरक्षित रखें। तो हमने जो आपको जानकारी दी कैसी लगी? आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।